प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिद्धार्थपुरम विस्तार कॉलोनी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में योग्यता की कमी नहीं है, यदि योग्य योजक मिल जाए तो देश के युवा दुनिया के हर कार्य को कर सकते हैं जिसे लोग चुनौती मानते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देकर युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान किया जा रहा है जिससे वह आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, युवा केवल नौकरी पर निर्भर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास में प्रदेश अग्रणी रूप से काम कर रहा है, रोजगार मेले के माध्यम से अच्छी संस्थाओं में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और युवा स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृहिणियों को भी प्रशिक्षित कर उन्हें कौशल विकास से जोड़ा जा सकता है जिससे उनके जीवन स्तर में और भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि इस कौशल विकास केंद्र में जिन ट्रेंडों का प्रशिक्षण दिया जाएगा वे समान जीवन से जुड़े हुए ट्रेंड हैं जिनकी आज बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्राइवेट संस्थाओं का जुड़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महिंद्रा जैसी संस्था इससे जुड़ रही है, इससे युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर खेल युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान, महिंद्रा ग्रुप के निदेशक, महिंद्रा समूह के स्टेट हेड मनीष प्रताप सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन सहित मिशन निदेशक विवेक एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिंद्रा समूह के स्टेट हेड मनीष प्रताप सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि थोड़ी सी भूख लागू करना है। आज आप सबों के बीच में एक यज्ञ का उद्घाटन होने जा रहा है जहां पे हम सभी पहले इस साइड में यहाँ भीड़ नहीं जाएगी। आप सभी अपने जगह बैठ जाएं और कॉपरेट करें। बहुत धन्यवाद। आप लोग शांत हो जाए प्लीज। इस गोरखपीठ की पावन धरती पर हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में ख्यातिलब्ध क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के स्किल मिनिस्टर श्री चेतन चौहान जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र इंफ्रा के क्षेत्र में काम कर रहा है उसके चेयरमैन श्री नवीन कुमार जी जैन। हम लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। होती रहनी चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं 2014-2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू कराया और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट सपना है और उन्होंने जाना कि नौकरियां कम होते जा रही हैं और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं 8वीं तक पढ़ पाते हैं, 9वीं तक 10वीं में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको किसी ना किसी एक विषय में किसी ना किसी एक ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाए। वो कार्यक्रम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ने
भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई है बताते हुए कि पिछले 23 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके आने के बाद बहुत बड़ी गति हमने कौशल विकास में दी है। लगभग 8 लाख लोगों का हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आज ये सेंटर खुला है, 2600 का सेंटर है, 6 ट्रेड यहाँ पर सिखाए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं सम्मान बढ़ाया जाए। स्किल जो उत्तर प्रदेश स्किल मिशन अगले हैं सलेह खातून, अगले हैं वंदना सिंह, गोरखपुर में सेंटर खुलने से सालों में रोजगार मिले स्कीम्स चलाई जा रही हैं। मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, खेल युवा कल्याण तथा कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री चेतन चौहान जी, गोरखपुर से नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा ग्रुप श्री नवीन कुमार जैन जी, महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बिभान चंद्र कौशिक जी, कौशल विकास से जुड़े हुए इस मिशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, और उपस्थित प्रशिक्षणार्थीगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 6 ट्रेड में गोरखपुर में स्किल डेवलपमेंट का यह केंद्र आज विधिवत प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस भवन के भी लोकार्पण और महिंद्रा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के शुभारंभ होने के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी परंपरा इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकं तत्र दुर्लभम्, यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, योग्य योजक चाहिए। अगर योग्य योजक हो तो भारत का युवा दुनिया के हर उस कार्य को करने में सक्षम है जिसे आज सामान्य जन एक चुनौती मानता है, और इसलिए 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया की घोषणा की थी, और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं के
ओनर को एक मंच देने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद स्तर पर कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा परिणाम स्किल इंडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर देखने को मिला है। वास्तव में दैनिक जीवन में जो कार्य हम लोगों को आसान लगते हैं, छोटे लगते हैं, हम अक्सर उसकी अनदेखी कर लेते हैं और उस अनदेखी का परिणाम होता है कि हमारे बड़े बड़े कार्य स्वतः ही अटक जाते हैं। मैं जब यहां पर री स्टैंडिंग सेंटर के उद्घाटन के बाद इनके वर्कशॉप को, इनके क्लासरूम को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कार्य और जिस प्रकार के पेड़ इन्होंने यहां पर लिए हैं, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन का, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल, फील्ड इंजीनियर, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन आदि, यानी ये जो 6 ट्रेड लिए हैं, मुझे लगता है कि सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका अपने रोजमर्रा के कार्यों से इन चीजों से वास्ता न पड़ता हो। लेकिन मोबाइल फोन कहीं खराब हो गया तो भटकता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा जीवन अधूरा हो गया है। इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का, मुझे याद है जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया तो प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलनी थी। 1,77,00,000 बच्चे थे लेकिन कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी कि जो इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को 2-2 यूनिफॉर्म यथासमय उपलब्ध करा सके। और तब भी मैं कहता था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग का ही एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करें तो ट्रेनिंग के माध्यम से प्रतिमान कोई भी गृहिणी अपना घर का कार्य संपन्न करने के बाद 15,000-16,000 रुपए अतिरिक्त कमा सकती है, बशर्ते वो अच्छी प्रशिक्षित हो जाए और उसको हम इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकें। इसी प्रकार से कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का, कॉल सेंटर एक नई व्यवस्था बनी है आज के समय में जवाबदेही का, अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से इन कार्यक्रमों को और अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करते हैं और फिर उसके माध्यम से कॉल सेंटर स्थापित करके पब्लिक का फीडबैक भी लेते हैं कि हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हमारी जो स्कीम प्रारंभ हुई है, यह कितनी लाभदायक है, कितना लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों को, कार्यों को जांचने के लिए और सुशासन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एक सीएम हेल्पलाइन जारी करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एट ए टाइम 500 हम लोगों ने वहां पर ऐसे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वहां पर हम लोगों के द्वारा रखने की कार्रवाई हो रही है और 3 शिफ्ट में कार्य करेगा।
केवल एक मुख्यमंत्री कार्यालय के दिन ही अलग अलग विभागों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है। अन्य जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, काफी स्कोप है। मुझे लगता है कि अच्छे कार्य और इसके माध्यम से लोगों को, अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार से फील्ड इंजीनियर के बारे में, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, रोजमर्रा से जुड़े हुए जिन चीजों का उपयोग एक सामान्य कॉमन मैन लेता है, लेकिन अगर मशीन खराब हो जाती है तो इसको लगता है जैसे उसका जीवन में ठहराव सा आ गया है। स्किल मिशन का एक कार्यक्रम आगे बढ़े यह भारत जैसे देश के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश होने के कारण 60% आबादी हमारी ऐसी है जो 35 वर्ष से नीचे की है, और इतनी बड़ी आबादी को कार्य ने उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ इस समाज ले सके, इस दृष्टि से उन लोगों के हाथों को कार्य देना अत्यंत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के इस कार्यक्रम में विगत 2.25 वर्ष के दौरान जो अभियान प्रारंभ हुआ है उसमें नंबर एक पर पूरे देश में आया है, और आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएं जब आगे आएंगी तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह एक योग्य योजक के रूप में इन युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर के उन्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। हम स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का ट्रेड विकसित करें, उस प्रकार का पाठ्यक्रम विकसित करें और फिर उसमें प्रशिक्षण देकर के उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था भी अगर हम सुनिश्चित करते हैं तो स्किल मिशन का यह कार्यक्रम अत्यंत सफल और फलदायी हो सकता है। और मेरा विश्वास है कि महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, यह गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए तो फलदायी होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश के तमाम अन्य स्थानों पर भी उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज का युवा वह केवल नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहता, वह स्वयं भी अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना चाहता है, या जो युवा जिसके अंदर प्रतिभा है वह बहुत बार अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या आर्थिक विपन्नता के कारण वह अपनी उच्च शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाता, उन युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम उनके स्वावलंबन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर मुझे महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर के यहाँ पर इस संस्था से जुड़े हुए जो भी बच्चे जिन्होंने अब तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से उनके ऑफर लेटर भी आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारे अभी यहाँ पर कौशल विकास के मंत्री श्री चेतन चौहान जी कह रहे थे कि प्रदेश ने कौशल विकास के इस विषय में विगत 2.25 वर्ष के दौरान 8 लाख से अधिक यूथ को इसमें प्रशिक्षित किया है और बड़ी संख्या में उन्हें प्लेसमेंट की गारंटी दी है। हमारे जो जॉब फेयर हैं बहुत सफल हो रहे हैं, अच्छी संख्या में लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। रोजमर्रा से जुड़े हुए कार्यों को लेकर के अगर हम थोड़ा भी प्रयास करें तो मेरा ये मानना है कि किसी के लिए भी कार्य की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी स्किल को पहचानना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को बनना पड़ेगा। आज का समय यह आर्थिक
जगत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा के इस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। मैं महिंद्रा परिवार को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो भी युवा यहां प्रशिक्षण लेगा स्किल मिशन के इस कार्यक्रम में वह दक्ष होकर के आगे बढ़ेगा और महिंद्रा परिवार उनके लिए उनके अनुरूप प्लेसमेंट की व्यवस्था करने में भी सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से आबद्ध महिंद्रा समूह एक प्रशिक्षण प्रदाता संस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। इसके साथ साथ हम लोग भारत सरकार की स्कीम में भी स्किल्स में काम कर रहे हैं, पैन इंडिया। तो उसके द्वारा हम लोगों ने गोरखपुर में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापन किया जिसमें 6 ट्रेडों को चलाया गया, यानी 6 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे मोबाइल हैंडसेट रिपेयर टेक्नीशियन एक है जॉब रोल, दूसरा कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव है, तीसरा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर है, फोर्थ वन इज़ आपका फ्रंट ऑफिस एसोसिएट हो गया, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो घर में फ्रिज एसी कूलर लगाया जाता है उसका RACW का कोर्स है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल है। ये 6 जॉब रोल्स में हम लोग बच्चों को इनरोल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि योगी जी की स्कीम है उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, जिसके तहत हम जो गरीब बच्चे हैं या कहीं ना कहीं रोजगार पाना चाहते हैं उनको इनरोल करके प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद उनको हम प्लेसमेंट दिलाएंगे। बहुत सारी कंपनीज के साथ पैन इंडिया हमारे टाइप हैं, नोएडा हो गया, बेंगलोर हो गया, आपके गोरखपुर में भी हमारे कुछ टाइप्स हैं लोकल लेवल पे। तो बच्चों को अल्टीमेट पर्पस है इस योजना का रोजगार परक बनाना, जो इस स्कीम को सफल बनाता है। इसी उद्देश्य से हमने आज इस सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इनवाइट किया था, उसके साथ में कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान जी थे और क्षेत्रीय विधायक हमारे डॉक्टर राधा मोहन जी थे और बहुत सारा प्रशासनिक सहयोग मिला हमें, जिसके द्वारा आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। टाइमिंग 9:30 से प्रशिक्षण केंद्र की टाइमिंग, प्रशिक्षण केंद्र तो सुबह से शाम तक चलेगा, जैसे इसमें 4 से 5 घंटे का प्रशिक्षण कोर्स चलता है, जैसे एक कोर्स अगर है तो वो डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाया जाएगा और शाम को 2 से 6 चलेगा। 9:21, 2:26 दो टाइमिंग हम लोगों ने डिसाइड की है जिसमें बच्चों को पढ़ा के रोजगार दिलाया जाएगा।